हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी कैफी अली गिरफ्तार किया गया। राजधानी के नाका हिंडोला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जमानत पर रिहा चल रहा आरोपी गैंगस्टर एक्ट में था वांछित। ये बड़ी खबर, जमानत पर रिहा चल रहा था आरोपी गैंगस्टर एक्ट में था वांछित। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी, उनके ऑफिस में गोलियों से भूना गया और गला भी रेता गया था। और मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी के नाका हिंडोला पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जमानत पर चल रहा था आरोपी और गैंगस्टर एक्ट में था वांछित। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर। लखनऊ में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जब वो अपने कार्यालय में थे। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड वहां पर हुआ, तीन लोग वहां पहुंचे थे, भगवा उन्होंने पहन रखा था। हालांकि बाद में काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी इन आरोपी को ढूंढने के लिए। गुजरात से भी उसके तार जुड़े, गुजरात पुलिस के साथ संपर्क साध कर सभी के सुराग ढूंढे गए और उसके बाद सभी की गिरफ्तारी हुई। और इस मामले में एक नई यह खबर है कि हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में एक और शख्स जो आरोपी है, मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी कैफी अली को गिरफ्तार किया गया है। गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। गगन, ये बताइए कि इससे पहले जो आरोपियों के तार जुड़े हुए थे, जो आरोपी गिरफ्त में लिए गए पुलिस द्वारा, गुजरात पुलिस से संपर्क साध कर इससे हटकर यह शख्स कौन है? तो जमानत पर रिहा चल रहा था आरोपी, गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उसी से जुड़ा हुआ यह आरोपी माना जा रहा है। आरोपी कैफी अली को गिरफ्तार किया गया है।